घर में हो या बाहर में, अपना जो सेफ्टी है उसके बारे में खुद को ही सोचना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जिस प्रोडक्ट को देख के आपका दिमाग खराब होने वाला है। तो ये रहा प्रोडक्ट। आपने कभी सोचा है कि एक जो चार्जर होता है मोबाइल का, उस चार्जर के अंदर भी एक कैमरा फिटिंग किया जा सकता है? ये जो प्रोडक्ट है ये एक चार्जर है एंड इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रोडक्ट को इसलिए दिखा रहा हूं कि इसके बाद कभी भी आप किसी भी अननोन प्लेस में जाते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा चेक करना है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। तो अभी हम इस बॉक्स को ओपन करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे काम करता है। तो ये रहा मेन बॉक्स, इसमें एक चार्जर का फोटो है आप देख सकते हैं। एंड अब इसको ओपन करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कितना छोटा साइज के अंदर एक कैमरा को फिटिंग किया गया है। रहा यूजर मैनुअल एंड इसके अंदर बताया गया है इसको कैसे यूज करना है। सो ये रहा वो चार्जर जिसके सेंटर में एक कैमरा है, एक यूएसबी पोर्ट है जिससे आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो, साथ साथ अपना वीडियो भी बना सकते हो। एंड इसमें एक एसडी कार्ड का ऑप्शन है जिसमें एक आपको मेमोरी कार्ड कनेक्ट करना होगा जिससे सारे जो फाइल है वो रिकॉर्ड होके वो मेमोरी कार्ड के अंदर सेव रहेगा। एसडी कार्ड कनेक्ट कर लिया है, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सच बताऊँ तो मैं भी बहुत हैरान हूँ, इतनी अच्छे क्वालिटी से इसको बनाया है कि देख के मालूम नहीं चल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है। तो अभी इसको हम लोग बोर्ड में कनेक्ट करेंगे एंड देखने वाले ये कैसे काम करता है। तो कैमरा को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते कि इसका जो वीडियो क्वालिटी वो कैसा है, कैसे रिकॉर्डिंग होता है उसके बारे में जान लेते। तो मैंने जो मैनुअल है उसको थोड़ा अच्छे से चेक किया, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है। इसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड का जो फैसिलिटी है मींस इसमें एल और एम बोल के दो फंक्शन है। अब एल पे सिलेक्ट करेंगे तो ये इसमें पावर मिलने के साथ साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड ये कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होता रहेगा जब तक आपका मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए। एंड अब एम जो ऑप्शन है जो मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग जो सिस्टम है इसको आप एक्टिवेट करते हो या इसको सिलेक्ट करते हो, जो कैमरा या जो चार्जर है उसका 6 फीट डिस्टेंस है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। इतना छोटा सा एक चार्जर के अंदर इतना सारा फैसिलिटी दिया गया है। कोई भी प्रोडक्ट हो हम चाहे तो उसको अच्छा यूज भी कर सकते हैं, उसको खराब यूज भी कर सकते हैं। तो मेनली ये जो कैमरा है इसको कोई अच्छा यूज करना चाहे तब भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा कोई भी सिचुएशन है जिसमें आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, बहुत जरूरी हो सकता है ऐसे कोई भी सिचुएशन में, तो उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो अच्छे काम के लिए। आप ऐसे कोई सिचुएशन पे हो जहां पर डायरेक्ट पावर सोर्स आपको नहीं मिल रहा है बट आप इस कैमरा को यूज करना चाहते हो तो आप पावर बैंक से भी यूज कर सकते हो। इसमें एक साइड को पावर बैंक में कनेक्ट करना है, एक साइड को कैमरा या चार्जर पे कनेक्ट करना है, पावर बैंक से भी ये कैमरा स्टार्ट हो जाएगा एंड आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज, सेम टाइम पे दोनों चीज यूज नहीं करना है। मीन्स पावर बैंक पे आप कनेक्ट कर रहे हो तो इसको बोर्ड में कनेक्ट नहीं करना है और बोर्ड में कनेक्ट कर रहे हो तो उसको पावर बैंक में कनेक्ट नहीं करना है, एक सिंगल पावर सोर्स देना है नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो बहुत टाइम तक हम लोगों ने इसको बोर्ड के साथ कनेक्ट करके रखा है, अभी इसको निकाल लेते हैं, अभी इसको ओपन करते हैं एंड इसके बाद इसका जो मेमोरी कार्ड है उसको निकाल के लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे एंड देखने वाले क्वालिटी कैसा आता है इसका। सो ये रहा एसडी कार्ड, अभी इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें कुछ वीडियो फाइल तो रिकॉर्ड हुआ है, अभी मैं इसको ओपन करने वाला हूं, देखने वाला हूं इसका क्वालिटी कैसा है। तो इस वीडियो को ओपन करते हैं। तो एक्चुअली जो यूजर मैनुअल है उसमें भी बताया गया था कि एक बार में ये ओनली 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद फिर से नया वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं है बट अगर कोई अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपका कम बन जाएगा। तो गाइस सच बताओ इसका क्वालिटी इन लोगों ने अमेजिंग बनाया है, इसका प्लास्टिक क्वालिटी भी बढ़िया है एंड इसको पकड़ने में सच में लगता है कि एक चार्जर है, एक इंच का भी डाउट नहीं आता है कि ये कोई स्पाई कैमरा हो सकता है। तो डेफिनेटली इसके बाद से आप किसी भी अननोन प्लेस में जाते हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना एंड थोड़ा सा चेक कर लेना है कि उस जगह पे ऐसा कोई डिवाइस है या नहीं। तो
आपको अच्छे काम के लिए इसको यूज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप परचेस कर सकते हो, अमेजोन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है या जानने को मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को शेयर कर देना। और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।